के लिए आपके अंदर इतना प्रेम क्यों है? मैंने पढ़ा है सनातन धर्म, जो मानवता मैंने देखी है, अगर वो मानवता मेरे धर्म में होता तो शायद मैं अपने धर्म में बहुत खुश रहती। राहुल गांधी जी को या विपक्षी दलों को इतना अच्छा लगता है मुसलमान धर्म, तो मक्का और मदीना में जाकर के हज करके दिखा दें, समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अदा पुश्त दर पुश्त याद रखे कि ये जो गुस्ताख रसूल का जो फतवा है ये कोई दूसरा भी उठा सकता है, अपमाने राम भी किया जा सकता है। मैंने पढ़ा है सनातन धर्म, जो मानवता मैंने देखी है, अगर वो मानवता मेरे धर्म में होता तो शायद मैं अपने धर्म में बहुत खुश रहती। अच्छा। अब क्योंकि मैं मुसलमान माँ के कोख से पैदा हुई हूँ और नमाज मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरी माँ ने बोला है कि शादी सनातनी लड़की से करवाई। आज इमाम बुखारी साहब के पास देखिएगा, धन दौलत, लग्जरी गाड़ी, बिजनेस क्लास में ट्रैवल, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब सनातनी लड़की का पैर घर में पड़ा और लक्ष्मी देवी की कृपा हो गई। तो मुझे लगता है कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। इकोनॉमी थर्ड पोजिशन पर नहीं जाएगा, सीधा पहले पोजिशन पर चला आएगा। जब पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, जब बांग्लादेश इस्लामिक देश हो सकता है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? हो ही सकता है ना। सबसे पुरानी पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। सबसे पुराना डीएनए कौन सा है? सनातनियों का है। सबसे पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद है। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? भारत में 82.7% जो संख्या है ना, वो सनातनियों की है। मुझे लगता है कि अब सनातनियों को ना रुद्राक्ष माला के साथ साथ थोड़ा भाला का भी काम करना पड़ेगा, तब जा कर के ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र में चेंज हो सकता है। 72 वर्जिन हूरों का जिक्र कुरान में नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पर एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी और वो बीमार हो गई, तो प्रॉफिट मोहम्मद चले गए उसकी तिमारदारी करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। ये भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा चूरन है झूठ का जो ये मामलों फैला रहा है। जाहिर सी बात है, मैं ट्रोल होंगी इस बात को बोलने पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी आलिम, उलमा, कारी, इमाम, मौज़िन, वो कुरान की किताब को लेकर के मेरे पास आए, और मेरे हाथ में कुरान नहीं होगा। हर सूरा, हर पारा, हर आयत को मैं तर्जुमान के हिसाब से उसको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है और तुम क्या क्या अफवाह उड़ा बात अभी कर रही हैं। वो मुसलमान मदरसा छाप लोग, जहालत के कीड़े, ये बताएंगे कि हमें क्या किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। इकोनॉमी थर्ड पोजिशन पर नहीं जाएगा, सीधा पहले पोजिशन पर चला आएगा। जब पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, जब बांग्लादेश इस्लामिक देश हो सकता है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? हो ही सकता है ना। सबसे पुरानी पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। सबसे पुराना डीएनए कौन सा है? सनातनियों का है। सबसे पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद है। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? अब यहाँ पर बात आई जिसकी संख्या भारी उसी की चलेगी, ऐसा कुछ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा वाले ने निकाला था। तो पूरे भारत में 82.7% जो संख्या है ना, वो सनातनियों की है। मुझे लगता है कि अब सनातनियों को ना रुद्राक्ष माला के साथ साथ थोड़ा भाला का भी काम करना पड़ेगा, तब जा कर के ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र में चेंज हो सकता है। ना सबके लिए इतना बोलती है, आपको डर नहीं लगता? क्या ही होगा, गुस्ताख रसूल की सजा ही होगी ना। पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना कि प्रॉफिट मोहम्मद की 9 बीवियाँ थी। चार तो हलवा उड़ाया गया है, झूठ उड़ाया गया है, उनकी 9 बीवियाँ थी। नाज़िया जी, पाकिस्तान भी बहुत समर्थन दे रहा है हमास को। लो कर लो बात, पाकिस्तान का ही था ना। उसामा बिन लादेन उन्हीं के घर में छुपा था ना। हाफिज सईद को अभी प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? पाकिस्तान ही दे रहा है ना। अजमल कसब किसका प्रोटेक्शन था? पाकिस्तान का ही था ना। तो कुत्ते के साथ ही रहते हैं ना। मतनी क्या कहते हैं कि हम 21 करोड़ हैं। भाई साहब थोड़ा सच बोल दो, क्योंकि 72 फिरका जब टूटेगा, उसका जब सर्वे रिपोर्ट निकलेगा ओबीसी की तरह, तो इसमें कितना मिलेगा आपके हाथ में, कितना आएगा, ये भी सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और 72 फिरकों वाले को मैं एक चीज़ और तोड़ के बता देती हूँ अरशद मदनी के लिए, कि देखिए भारत में शिया को सुन्नी नहीं मानता है। सुन्नी समुदाय जो है, हालांकि मैं खुद सुन्नी हूँ, सुन्नी समुदाय जो है ना शिया को मानता है, ना वहाबी को मानता है, ना अहमदी को मानता है, ना यहूदी को मानता है, ना पारसी को मानता है। तो 72 फिरका जब टूटेंगे ना, तो सुन्नी के पास वोट बैंक सिर्फ बचेगा 5%। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं एक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इनको आप देखिएगा कि मौलाना अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
बोर्ड हमेशा कहता है मेरे मदरसे नहीं बंद होने चाहिए, मैं अपने मदरसे को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जो हराम की कमाई आ रही है ना और हलाल की भी कमाई आ रही है, ये जितने स्लॉटर हाउस है, हलाल ये हलाल वो हलाल ये, जो जितने सब किए भी ना, क्या इनका धर्म नहीं चलेगा नाजिया जी? चलिए मुझे आप ही एक मौलाना का नाम बताइए जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, लेकिन दीन के राह में अपना काम कर रहा है। चलिए बता दीजिए, बता दीजिए, वकील है, जज है, बैरिस्टर है, लेकिन दीन की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद में जाकर के नमाज अजान दे रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है। बहुत डर है इन लोगों को कि जिस देखिए, मैं तो अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ, और जिस संविधान के बारे में आपने कहा है, ओरिजिनल संविधान का पहला पन्ना खोलिएगा, भगवान राम मिलेंगे, ठीक है, और उसी संविधान की कसम खिला करके हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं और हम लोग चार्ज करवाते हैं। भगवान राम के लिए आपके अंदर इतना प्रेम क्यों है? मैंने पढ़ा है सनातन धर्म, जो मानवता मैंने देखी है, अगर वो मानवता मेरे धर्म में होता तो शायद मैं अपने धर्म में बहुत खुश रहती। ने वाले के लिए वाघा बॉर्डर खोला जाए, भारत की सरकार खोल दे, जाए वहाँ आटा चावल का लाइन लगाए, और जब उनके 9 साल की बच्चियों का निकाह मुत्ता के नाम, तब उनको समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म कितना खूबसूरत है। और अगर राहुल गांधी जी को या विपक्षी दलों को इतना अच्छा लगता है मुसलमान धर्म, तो मक्का और मदीना में जाकर के हज करके दिखा दें, समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अदा पुष्ट दर पुष्ट याद रखे कि ये जो गुस्ताख रसूल का जो फतवा है, ये कोई दूसरा भी उठा सकता है, अपमान राम भी किया जा सकता है। देखिए, बाबर आजम और ठरके आजम पर ये लोग बहुत निर्भर कर रहे थे। जो ठरके आजम चम्मच से नूडल्स खा रहा था, बिरयानी इतना खा लिया कि खेल पे फोकस नहीं कर पाया, तो भीखमंगे देश से आया है, यहाँ पर खाने पर फोकस कर रहा है, खेल पर फोकस नहीं कर रहा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जिसने भी सनातन को और सनातन धर्म को मलाइन किया है या अपमान किया है, वो सब के सब फना हुए हैं और ख़त्म हुए हैं। रही बात बाबर आजम की, तो मुझे लगता है कि उसको रिटर्न हो जाना चाहिए, और उसी गेरवे स्कार्फ के साथ।